जिनको मेरी तरह बैटल ग्राउंड खेलना पसंद है उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तो बिंजम में बीजीएमआई टूर्नामेंट वापस लाइव हो चुके हैं और इस बार सारे टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री हैं। तो फ्री में एंटर करो और हर एक किल पे एक कैश जीतो। एक किल का आपको 40 रुपए मिलेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिएगा, अगर आप 40 रैंक तक आते हो तो भी आपको कैश प्राइज मिलेंगे और इन सारे कैश प्राइज को आप पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू तुरंत निकाल सकते हो। तो है ना कमाल का एप्लीकेशन। खैर एक बहुत बड़ी न्यूज भी है, वो ये कि बिंजो रोज रॉयल पास के फ्री गिव अवे भी दे रहा है और बिंजो में 70 से ज्यादा गेम अवेलेबल भी है। तो रॉयल पास जीतने के लिए आपको उनमें से किसी 3 गेम को खेलना है और फिर इस बैनर में क्लिक कर देना है, फिर इस फॉर्म को फिल कर लो और रजिस्टर कर दो। और हाँ, ये ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाओ और जल्दी करो। अगर मेरी लिंक से करोगी तो आपको 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। कभी देखा नहीं होगा ऐसा गेम प्ले जिसकी स्टोरी सबसे हटके, और आज तुम्हारा भाई चलाएगा ऐसी डब्लूएम जिसमें बंदों को पड़ेंगे बहुत सारे फटके। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो यार आप लोग कई दिनों से मुझसे कह रहे थे कि फौजी भाई आप AWM चलाना क्यों छोड़ दिए हो, प्लीज AWM चलाया करो। तो आज मैंने इस बात में गौर किया और फिर मैंने इस मैच में AWM उठाई और AWM उठाने के बाद मैंने जितने भी बंदे मारे हैं सारे के सारे अपनी सस्ती स्नाइपिंग से मारे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे सकूल अपार्टमेंट और यहाँ पर भैया लॉकडाउन टाइप का लगा था, यानी कि बोरदादा के अलावा हमको कोई मिला ही नहीं। तो इनको निपटा के मैं सीधा सकूल की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ आते ही मेरा टीममेट ये कहता है, आगे से डोनेट कर दो। अरे ओपी यार, अब इस बंदे को तो हमने निपटा दिया, पर इसके एक दो टीममेट और होते हैं जिनकी फुटस्टेप आ रही थी, तो उनको ढूंढने हम लोग आगे जाते हैं। और फिर देख रहे लेफ्ट साइड है, पोजीशन के पीछे आओ, इस साइड है, पहले इस साइड मेरे आगे। नाइस सर, पीछे से कूदे गए। अब इसको भी मैंने नॉक कर दिया, पर इनका जो एक और टीममेट होता है वो ऊपर होता है, तो मैं फटाक से ऊपर जाता हूँ और देखो यार चाचा को भी कैसे निपटाता हूँ। नीचे कूद गया, अरे नीचे कूद गया। Watch out! कल मेरा एक दोस्त मेरे से कहता है भाई सेटिंग करा दे, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। इरशाद इरशाद, इतनी गंदी शकल तुम्हारी, पहले फेस को संभालो। कि इतनी गंदी शकल तुम्हारी, पहले फेस को संभालो। और क्या कहा भाई, सेटिंग करा दे। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ऊपर जो पहाड़ी को बंदे है। तो भैया सकूल वाले बंदों को निपटाने के बाद मैं सीधा इस तरफ आता हूँ और यहाँ आते ही लाल वाले घर से कोई बंदा हमारे ऊपर गोलियां चलाता है। तो पहले मैं यहाँ पे खड़े होकर बमबूरा करता हूँ, पर जब उनसे कुछ नहीं होता तो मैं आगे जाता हूँ और देखो यार अब आगे क्या होगा। मैं आगे चल लो, अब मेरे को लगा था कि ये यहाँ पे अकेला है, पर जैसे ही मैं लूटा लाटी करके बाहर जाता हूँ तभी कोई बंदा हमारे ऊपर बम फेंकता है। नेड आया देखो, किसी नाइस वन, भाई दो आ गए, दो आ गए, दो है। तो यार यहाँ पे तुम्हारे भाई की पेटी बन जाती है, पर टेंशन की बात नहीं है, काहे कि मेरी एक टीममेट मौके में चौका मार के वहाँ से भाग जाती है और फिर वो हम तीनों को रिकॉल भी कर देती है। लेकिन तभी मुझे रोजोक से एक बग्गी आती हुई दिखती है, यानी कि ये वही बंदे हैं। तो देखो यार आगे क्या होगा। चले फौजी भाई, मैं चल रही हूँ साथ। आ रहा बंदा,
अरे एक एचपी यार, अरे रुक गया रुक गया। If you are sap, I am your bar. तो यार इस सांप की मैं पेटी बनाता हूँ और इनकी पेटी से मिल जाती मुझे फ्लेयर गन। तो हम लोग फ्लेयर गन चलाते हैं और तभी मुझे एक बंदर दिखता है। अरे नाइस वाले। स्कूल पे लेके जाते हैं बस्ता और फौजी का स्प्रे है बहुत सस्ता। तो यार ये बंदा कम से कम 300 मीटर दूर था, पर फिर भी तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे स्प्रे देके निपटा दिया। तो इस स्प्रे के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल फ्लेयर में से मुझे AW मिल जाती है, तो यहाँ से अब जो भी सीन होंगे सारे के सारे काल्पनिक घटना में आधारित होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा टाइप का जाएगा। सामने बंदा लेटा हुआ है। Watch out! अरे भैया। अब रस कहता है कि सामने बंदा लेटा हुआ है, तो मेरे को लगा कि राइट में सामने। पर जब कच्च की आवाज आती है तब समझ में आता है कि चाचा सामने लेटे थे। आग करो तो मेरे गाड़ी वाले को देखा। तुझे वो बंदा दिखाई नहीं। जल्दी मरो। गाड़ी यहाँ पे बंदा भी है। कॉल कर रहा है। कॉल कर दिया उसने। चलो बाबा पुश मारते हो। नाइस सर। ऊपर आ गया। नहीं ये सर नीचे है। कहीं पर ही टीवी भी ले रहा है। नेट डाल दो या कुछ और डाल दो। अरे नाइस वन यार। ये नंबर मुझे रिवाइज दे दो आप। कल एक लड़का मुझसे कहता है फौजी भाई मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को लेट रिप्लाई करती है। तो मैंने कहा कि और तुम? तो वो कहता है कि मैं जल्दी कर देता हूँ। तो भैया इसका मतलब ये है कि वो लेट रिप्लाई करती है ये मुझसे सहा नहीं जाता। कि वो लेट रिप्लाई करती है तो मुझसे सहा नहीं जाता, और जब मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ ना तो मेरा दिल भी यही कहता है एहे रहा नहीं जाता। अब एक बंदा सामने वाले घर में होता है, तो मैं सोचता था कि वो दोबारा मुंडी दिखाएगा, पर शायद चाचा को पता चल गया था कि मेरे पास AW है तो रिसक काहे को लें, इसलिए वो दोबारा मुंडी नहीं दिखाता। तो मैं समोक करके सीधा रस कर देता हूँ और देखो अब आगे क्या होगा। हाँ ठीक है आपके पीछे हो जाओ। चलो अरे नाइस वन यार। इजी इजी डील करो पहले डील करो। अरे पिन लग पे बंदा आ गया। अंदर आओ। अब यार यहाँ पे चौतरफा बंदे फैले पड़े हैं और वो बम पे बम फेंके भी जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि किल हो चुके हैं तेरा, कंटेंट गया मेरा। लेकिन फिर पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, आप खुद ही देख लो। नाइस वन यार। लेफ्ट साइड है, स्टैक के पीछे है। ये वाले। वॉच आउट। अभी ना बच्चे ठीक है सब। Watch out! अरे नाइस यार। अब ये बंदे एक ही टीम के हैं या अलग अलग टीम के ये तो मेरे को नहीं पता, पर जब कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है। तो देखो यार सबको कैसे निपटाते हैं। मोली फेंकना वापस करें तो ऐसी डंडा। चलो आगे चलो। एक और फुटाई मेरे को। लैप से आएगा। एक और होगा। आ जाओ एक और है। अरे गजब फौजी भाई यार। ओपी भाई। डांस वांस का ज्यादा शौक नहीं, पर गाना गा लेता हूँ मन ही मन।
कि डांस वांस का ज्यादा शौक नहीं, पर गाना गा लेता हूँ मन ही मन। और बेटा जब उठा लेता है फौजी अपनी M4 तो उसकी पब्लिक भी बोलती है दे दना दन, दना दन दे दना दन। तो यार कैसा लगा आपको ये क्लच, कमेंट में बताना साच। और हाँ, हमारी फैमिली 14 लाख के बहुत करीब है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर चुका है तो प्लीज अपने एक दोस्त को शेयर कर देना, क्योंकि इससे मेरे चैनल को काफी हेल्प मिलती है। भाई राइडर को मेरा डिवाइस फट गया, बल्ले आ पास घर पे ले लो, घर पे ले लो, ऊपर में लेटा हुआ घर पे ले लो। ये लेटा हुआ, वॉच आउट। अब यहाँ पे दो बंदों को हम लोग नॉक कर देते हैं, और उसके बाद गाड़ी उठा के सीधा हम लोग रश कर देते हैं। और देखो रे एक तुम्हारे भाई का शानदार सकलाच। दुनिया की क्या बात करूं मैं हूं खुद से हारा रे, कि दुनिया की क्या बात करूं मैं हूं खुद से हारा रे। और जब मैं अपने सब्सक्राइबरों को कहता हूं कि मैं क्लच करने जा रहा हूं, तो वो भी मुझसे यही कहते हैं मस्त जोक मारा रे। तो यार जब भी मैं क्लच करना स्टार्ट करता हूँ तो कसम से देख के ऐसा लगता है कि यार क्या मारता है लौंडा, और फिर बस पब्लिक की नजर में हीरो बनने वाला ही रहता हूँ। लेकिन तभी कोई ना कोई बंदा मेरे को हर बार नोक कर देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये रहा बंदा, दिखा मेरे मास्टर। मैं गाड़ी निकालूंगा, ठीक है, वो मारेगा मेरे को, मैं गाड़ी निकाल लूं। अब जब मैं नॉक हो गया था तो एक बंदा पीछे से मेरे को गोली चला के मारना चाह रहा था, और ये चाचा बॉय होते हैं तो इनको मैं नॉक कर देता हूँ। पर सामने वाली पहाड़ी में भी कुछ बंदे होते हैं तो हम लोग सीधा रश करते हैं, और फिर ये वाली ले लो। अरे पीछे भाग रहा है एक बंदा, पीछे भाग रहा है। माफ कर दे मेरे, माफ कर दे, पेड़ के पीछे, ठीक है, दो है, दो आएंगे। मार्क द लोकेशन, मेरे मार्क पे, पीछे वाला मारेगा मैं कह रहा हूँ। नाइस। अब यार यहाँ पे हमारे आगे भी एक टीम होती है और पीछे भी, और जब कोई पीछे से मारता है तो बड़ा दर्द होता है, इसलिए मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि भैया बीच के बंदर मत बनो, सीधा घर में चलो। और तभी घर आ जाओ, पीछे वाले बंदे भी दिख गए मेरे को सारे। अरे ओपी यार, इधर आया कुछ, उसमें कोई है मेरे को, उसमें कोई है। वॉच आउट, ये जो कुछ क्लोज में है ना, क्लोज में नहीं नहीं नहीं, सिक्स साइड से मार रहा है वो, दूर साइड से मार रहा है, वहीं साइड से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा मुझे दिख गया। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग से आ रही है अपनी साइड। अरे नाइस यार। अब यार मेरे को पता है मेरी स्नाइपिंग देख के कोई ना कोई तो ऐसा बोल रहा होगा कि ये हैकर है, तो भैया हम नहीं करते किसी तरह का हैक, जो हैक करता है वो कीड़ा होता है गंदे नाले का। कि हम नहीं करते किसी तरह का हैक, जो हैक करता है वो कीड़ा होता है गंदे नाले का। और जब मिल जाती है फौजी को AWM तो उसके टीममेट भी बोलते हैं मार रे साले का, खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। I'm out, need ammo, ये ले लो ammo, मुझसे ले लो।
ये लो। अरे गजब यार। बोलो जय जय श्री राम। तो यार फाइनली मैं इस बम्बाबूर से लास्ट बंदे को भी निपटा देता हूँ और इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो ये गेम प्ले आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने एक दोस्त को शेयर कर देना यार। तो मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।